हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसेल ऑनलाइन क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं पॉलीनोमियल्स। टुडे डिस्कस करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम। समझने से पहले गिवन नंबर्स का हम डिवीजन देखते हैं। फॉर एग्जांपल 7 में हम 2 का डिवाइड करते हैं, 2 3 6, 7 - 6 1, तो ये क्या होता है हमारे पास डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर। तो हम इसको राइट कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम पॉलीनोमियल में डिस्कस करने से पहले नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा होगा डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर डिविडेंड 7 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, 2 3 6 + 1 7, 7 = 7, इट मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बट हम यह पॉलीनोमियल के अंदर इक्वेशंस का हम डिवाइड करेंगे, इट मीन्स पॉलीनोमियल्स का हम डिवाइड करेंगे। तो देखते पॉलीनोमियल्स का डिवाइड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डिविडेंड, इट मीन्स पी एक्स गिवन पॉलीनोमियल, जी एक्स डिवाइजर, क्यू एक्स कोसेंट प्लस आर एक्स रिमाइंडर, डिवीजन एल्गोरिथम। इसी के अकॉर्डिंग है हमारे पास, जैसे हमने नंबर के अकॉर्डिंग किया, बस हम यहाँ पर इक्वेशंस पॉलीनोमियल की फॉर्म होती है इक्वेशंस के अंदर होगा। एक्स क्या है यहाँ पर, वेरिएबल्स है, एक्स यहाँ पर क्या है वेरिएबल। तो डिवाइड करने का रूल क्या होता है, पी एक्स डिग्री ऑफ पी एक्स should always greater than or equal to degree of gx, where gx not equal to 0, gx हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम का ही हमारे पास रूल है, degree of px is always greater than or equal to degree of gx and gx not equal to 0. gx हमारे पास क्या है, डिवाइजर, px क्या है डिविडेंड, qx क्या है कोसेंट है और rx क्या है रिमाइंडर हमारे। और साथ में ये भी होना चाहिए हमारे पास, इफ rx इक्वल टू 0, अगर हमारे पास डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है, इट मींस gx is a factor of px. अगर आपके पास डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, gx is a factor of given polynomial px। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन, अगर रिमाइंडर 0 है इट मीन्स गिवन जो हमारे पास पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 सेकेंड, x - 1/2 थर्ड, x + 5। तो 1 by 1 देखते हैं रिमाइंडर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसका जो इजी स्टेप है जो फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करने का गिवन पॉलीनोमियल का, तो x प्लस 1 को सबसे पहले 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस वैल्यू को गिवन पॉलीनोमियल में पुट कर लेंगे, तो रिमाइंडर फाइंड करना कैसे देखते हैं।
फर्स्ट एक्स प्लस वन को सबसे पहले मैंने किसके इक्वल किया, जीरो के इक्वल, तो प्लस वन इधर जाएगा तो क्या होगी माइनस वन, इट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस वन, गिवन पॉलीनोमियल में पुट करके रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन इन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, पुट करते हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन क्यूब प्लस थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन प्लस, अब माइनस वन क्यूब क्या होते हैं रफ में चेक कर लेते हैं साइड में, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, रिजल्ट क्या आएगा माइनस वन, माइनस वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं अपन माइनस वन, तो इसका रिजल्ट है माइनस वन, अब माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है माइनस वन इंटू माइनस वन, प्लस वन होते हैं, प्लस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आएगा, थ्री बन जाए थ्री, प्लस माइनस माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, थ्री को वन से थ्री बन जाए थ्री प्लस, अब देखिए माइनस वन प्लस वन कैंसिल, प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन से, जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास जीरो, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है जीरो। आंसर क्या है हमारे पास जीरो, तो रिमाइंडर थ्योरम से हमारे पास इसका आंसर जीरो है, तो ये शॉर्टकट मेथड है हमारे पास, इसी मेथड के अकॉर्डिंग बाकी आपको ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी करने, तो इनको करके देखें, सेकंड क्वेश्चन मैं कर देती हूँ, सेकंड एक्स माइनस वन अपॉन टू, सबसे पहले इसको हमने किसके इक्वल किया जीरो के, जीरो के इक्वल करने पर माइनस का वन अपॉन टू के जब ट्रांसफर करेंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस वन अपॉन टू, एक्स इक्वल टू प्लस वन, इट मीन्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू गिवन पॉलीनोमियल में पुट करके हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते, तो पुट करते हैं गिवन पॉलीनोमियल में वन अपॉन टू क्यूब प्लस थ्री वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस थ्री वन अपॉन टू प्लस वन, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू, थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू वन वन अपॉन फोर, यह जाएगा थ्री वन जा थ्री, थ्री अपॉन फोर प्लस थ्री वन जा थ्री अपॉन में टू और प्लस वन, अब देखिए अपॉन में वन लगाकर हम एलसीएम लेंगे, टोटल एलसीएम आएगा एट, एट में एट के डिवाइड करेंगे वन, वन इंटू वन वन, एट में फोर के डिवाइड करेंगे टू, टू को ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू जा सिक्स, एट में टू का डिवाइड करेंगे फोर, फोर को ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे फोर थ्री जा ट्वेल्व, एट में वन का डिवाइड करेंगे एट, एट को वन से मल्टीप्लाई करेंगे एट, तो यह आएगा हमारे पास रिजल्ट सिक्स प्लस वन सेवन, ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन, 19 में 8 प्लस करेंगे 27 अपॉन में आंसर, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 27 अपॉन 8। थर्ड क्वेश्चन, ऐसे थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, x प्लस 5 को सबसे पहले किसके इक्वल करेंगे हम जीरो के, तो प्लस का 5 ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा माइनस का 5, x इक्वल टू माइनस 5, अब x इक्वल टू माइनस 5 गिवन पॉलीनोमियल में पुट कर देंगे एक्स की जगह माइनस पाई, माइनस पाई क्यू प्लस थ्री माइनस पाई स्क्वायर प्लस थ्री माइनस पाई प्लस, सिंप्लीफाई कर लेते माइनस पाई को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, साइड में मल्टीप्लाई करके देखिए माइनस पाई माइनस पाई माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, रिजल्ट तो आ रहे माइनस पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई क्यूब, हो जाएगा माइनस पाई क्यूब, माइनस पाई का स्क्वायर क्या होगा माइनस पाई प्लस, ये हो जाएगा देखिए माइनस पाई इंटू माइनस पाई, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और पाई इंटू पाई
बेस इक्वल टू पावर ऐड हो जाती है एक्सपोनेंट फॉर्मूला में, तो जाएगा 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये 3 पाई तो प्लस पुट करने पर हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो यही रिमाइंडर होगा, यही हमारा आंसर होगा।